आजमगढ़ में जमीनी विवाद में धोखाधड़ी कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब भी कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोचता है तो उसके मन में पहला विचार यही आता है कि यहाँ पर जमीन के मामले में हर कदम पर धोखा है। ऐसे एक मामला यूपी के आजमगढ़ से सामने आया है, जहाँ पर एक व्यापारी ने जमीन लेने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन उसके बदले में क्या मिला? केवल धोखा। दरअसल आपको बताते चले कि आजमगढ़ के रैदोपुर मोहल्ले में स्थित एक हवेली जिसको गौड़ भवन के नाम से जाना जाता है, जिसका विवाद इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। दरअसल आजमगढ़ के चौक क्षेत्र के सब्जी मंडी मोहल्ले के रहने वाले विशाल गुप्ता, वो उनकी पत्नी ने आजमगढ़ की रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया, जिसको जानकर आप हुए पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं सर्विस लाल एडवोकेट सिविल कोर्ट आजमगढ़। हाँ, ये एक दावा सिविल जज सीनियर डिवीजन आजमगढ़ में दाखिल हुआ, जिसमें विवाद गौड़ भवन रैदोपुर मड़िया जयरामपुर आजमगढ़ का है, जिसमें यह गौड़ लोग जो है इनका बिल्डिंग और इनके इससे मुतल्लिक जितनी ज़मीनें हैं, ये लोग 10-15 लोग हो गए थे, इन लोगों को बेचना था और ये लोग प्रयासरत थे आज से 10-12 साल पहले से। तो एक बनारस का कोई प्रॉपर्टी डीलर टाइप आदमी इन गौड़ भवन के लिए मुआहिदा बय सन 14 में लिया था, लेकिन वह बेच नहीं पाया और उसने अपना क्लेम छोड़ दिया था और वो अपना पैसा वापस मांगा। गौड़ लोगों के पास पैसा नहीं था तो गौड़ लोगों ने यह श्रीमती मंजरी गुप्ता से यह हुआ बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं पैसा बनारस वाले प्रॉपर्टी डीलर का वापस कर देंगे, केडी अग्रवाल का, और मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। और उसके तहत इन्होंने जो है केडी अग्रवाल का सारा पैसा वापस किया और गौड़ लोगों को भी पैसा दिया, और उसके बारे में एक शपथ पत्र भी इन्होंने दिया मुआहिदा बय कि हम आपको बेचेंगे। अभी क्या है? अभी आप अब यह हुआ कि न्यायालय में मुकदमा दाखिल हुआ और न्यायालय ने कहा कि मौके की स्थिति आप ले आइए और इसके बारे में स्टे पर सुनवाई आगे मई में आखिरी हफ्ते में रखी गई है, जिस पर बहस होगी। हम लोग पैमाइश किए, लेकिन वहाँ दो चार उनके गुर्गे थे जो उन्होंने मना किया कि भाई पैमाइश नहीं करना है और निकल जाइए कैंपस से। तो हम लोगों ने नक्शा नजरी वहाँ पर बड़े ध्यान से उसको बना लिया, और अमीन साहब थे, हम थे और उनके मुंशी थे, और बनाकर इसका रिपोर्ट जो है न्यायालय में अमीन साहब प्रस्तुत करेंगे। जमीन की कीमत क्या थी? अब उस ज़मीन की कीमत जो है कम से कम 2-3 करोड़ से ज़्यादा है। अब कितनी ज़्यादा है मैं इसके बारे में बहुत नहीं जानता हूँ कितना हो सकता है, लेकिन जो तय था मंजरी गुप्ता से उसी के आसपास वह ज़मीन की कीमत थी। लेकिन अब कितना देन लेन हुआ, बैनामे में क्या लिखा गया है, लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें स्टैंप ड्यूटी की भी कम से कम 50 लाख की चोरी हुई है, जिसको अब कौन इसके लिए जिम्मेदार है यह तो जब हम लोग प्रार्थना पत्र कमिश्नर साहब के यहाँ देंगे तो इसके बारे में छानबीन की जाएगी। लेकिन स्टैंप की भी चोरी हुई, फ्रॉड हुआ, धोखाधड़ी भी हुई और गैरकानूनी काम भी हुआ, और हम लोग मेहनत से मुकदमा इस पर लड़ेंगे, निश्चित तौर से मेहनत से लड़ेंगे। और हम जानते हैं कानून है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि जुबानी मुआहिदा बय का भी वह कानून से मान्य है और उसके आधार पर दावा डिग्री हो सकता है।